कारे सीमा हैदर भगोरी भाग हमारे देश से, तू क्यों बैठी है यहाँ पे? ओ राखी बांधने के लिए तुझे कोई नहीं आया, तेरा तो मुंह खट्टा हो गया। अरे आएगा क्या, वो राखी बंधवाना तुमसे नहीं चाहता है। सीमा हैदर भगोरी, हम तुमसे बोल रहे हैं, ठीक, ये तुम्हारा नहीं चलेगा। तू तो जासूस है, गिरी हुई औरत है, तू मां कहलाने की लायक है, तो उल्टा सीधा झूठ फूस बोलती है, चल हट हवा आने दे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिए लगातार। इस वीडियो में मैं जो आप क्लिप सुने हैं और उसके बाद अगर वीडियो देखेंगे तो आप लोग का पैर नीचे से जमीन घिस जाएगा, जो मैं आप लोगों से कौन सी बात शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं, मेन पॉइंट और मेन मुद्दा पे आते हैं। आइए जनाब आप लोग दिलधाम के इस वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी शमल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना चाहिए तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशी दे पाएंगे। मैं दोस्तों बहुत अच्छा आप लोगों को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए भूले भटके आए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों इस वीडियो का आप लोग करें लास्ट तक वीडियो बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिए। अगर जनाब तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो सीमा भगोरी हमारे देश में आके और इस तरह से बैठ के खा रही है, साली चमक रही है, वहां से आई थी तो भिखारी की औलाद थी, जैसे उसको पाकिस्तान में ना चाय मिलता था, नारियल का पानी मिलता था, ना ब्लीचिंग कर पाती थी, ना अच्छे कपड़े पहन पाती थी, ना मोबाइल चला पाती थी, लेकिन फिर भी सुसरी पता नहीं पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंच गई। इसका माइंड तो देखो, ये जासूस है, इसे इंग्लिश बोलना आता है, ये बहुत ही शातिर औरत है। और दूसरी बात, जो अगर ये सीमा भगोरी हैदर जो भी काम कर रही है, चलो ये औरत है तो समझ जाएगी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, इसे बूटी बूटी लोग काट दिया जाएगा, लेकिन उसका बेटा जो है गुलाम हैदर का बेटा जो है वही खून है, वो पाकिस्तान ही का खून है, वो अपना रंग कभी जरूर दिखाएगा। ये सांप सांप का बच्चा का पाकिस्तान का बच्चा का हम लोग हिंदुस्तान में पनाह दे रहे हैं, वो अपना औकात जरूर दिखाएगा, जहाँ से वो आया है वो अपना औकात जरूर दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों मेन मुद्दा और मेन मैटर पे आते हैं। ये जितने भी बात आप सुने हैं ये सारे बोल रहे हैं सीमा हैदर के हेटर सब, ये सारे बात बोल रहे हैं सीमा हैदर के हेटर सब। मैं सीमा हैदर की सपोर्टर हूँ, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों से बात बोल के नहीं सुनाऊंगी तो आप लोग समझेंगे क्या, जो सीमा हैदर के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ सीमा हैदर की, हेटर साहब कान खोल के सुन लेने तो धुआं निकाल दूंगी। और औकात में रह के बात किया कर रहे, तुम लोग का थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? जो एक औरत आई है घर बसाने के लिए अपने बच्चे के साथ, अपने लप्पू सचिन पति के साथ में आराम से वो रह रही है, अपना कॉन्टेंट पे वीडियो बना रही है, जितना ही उसका व्यूज आ रहा है, तुम लोग को क्यों फटती है? तुम लोग को मिर्ची क्यों लगती है? तुम लोग पे ना धिक्कार है, तुम लोग ना गंदे नाली के कीड़े हो, तुम लोग का थोड़ा भी शर्म लिहाज नहीं है। सीमा हैदर के नाम रोटी सेकने वाली सब कमीनी बदतमी सब, और ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है रे। वो पाकिस्तान से भाग के आ गई तो ये अच्छी लेडीज नहीं है, ये अच्छी माँ नहीं है, ये फलाना नहीं है। तू जो घूंघट के यार में दिलबर का आती है करवा के, और उसके बाद उसी पति के पास में सोती है, बहू बन जाती है, पत्नी बन जाती है और अच्छी माँ बन जाती है, क्या तेरा काला करतूत किसी को नहीं पता है? ऐसी ऐसी दुनिया में लेडीज बसी हुई है ना यहाँ पे हिंदुस्तान के, बातें कर रही हूँ जो साली सबके शक्ल नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। सीमा हैदर भाग के आ गए तो भगोड़ी है उसको सब जानते हैं, तो चलो ये गंदी लेडीज है, लेकिन तुम लोग जो घर में घुस घुस के 36 जगह मुंह मारती हो, वो तुम लोग के बारे में किसी को नहीं पता है। आती वो सती सावित्री दूध की धुली हुई बनने के लिए, है ना? तुम लोग ना सुधर जाओ, एक औरत के नाम पे रोटी सेकने वाली। और दूसरी बात, मुझे धमकी दिया जा रहा है, मुझे धमकी दिया जा रहा है तुम्हारा चैनल अब डिलीट हो जाएगा। एक आई थी माँ नाम से मेरे रात में, मेरे लाइव में, मेरे रात में मुझे धमकी दे रही थी, कमेंट करके डिलीट कर दी, तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लिए, टेंशन मत लो। और अगर मेरे चैनल पे अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार यही माँ होगी, जो माँ टीका लगाती है रे, तो माँ कहलाने की लायक है? एक औरत को औरत के नाम पे तू व्यूज छापती है, गलत गलत शब्द मुँह से बोलती है, इतने उम्र होते हुए भी तुम्हारी उम्र बूढ़ी हो गई है। रामायण महाभारत माला उला जाप किया कर, हरिद्वार जाके नहाया कर, कीर्तन भजन सुंदर कांड किया कर, हैं? और यही बात कितने बार बुलवाएगी, समझ में नहीं आ रहा? ऊपर से मुझे धमकी देने के लिए आ रही है, ऊपर से एक चश्मा वाली देने के लिए आ रही है धमकी, जिसका एस से नाम है, प्रमोशन नहीं करूंगी। जितना भी तू होगी ना, तेरा मेरा से सब्सक्राइबर बहुत सारा है, लेकिन तेरी औकात कुछ नहीं है, मेरी बराबरी चल नहीं पाएगी। तू सोच रही है मेरे चैनल को कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं, ठीक। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए पैसा दे के कुछ भी अगर करवा लेगी ना, तो फिर से चैनल खोल के वही केवल सच बोलेंगे, सीमा हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे, तुझे जितना पावर लगाना है लगा ले, तुझसे डरने वाले नहीं है, सच्चाई बोलेंगे, केवल सच्चाई बोलेंगे, ठीक। अरे तुम लोग कौन
होते हो फड़फड़ाने वाले, भौंकने वाले? इसका जवाब है तुम लोग के पास ना, मर्द सब भरुआ सब है जवाब। एक मिनट के लिए, जब हमारी सरकार जिस दिन दोषी मान लेगी, जासूस मान लेगी सीमा हैदर को, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उस दिन हम भी मान लेंगे। इस बीच में काहे के लिए फड़फड़ा रहे हैं रे? अपना चैनल चमकाना है, व्यूज कमाना है, अपने पिछवाड़े में दम नहीं किए है? नहीं नहीं किए दम कारे? हम तो से बोला तानी, कान खोल के सुन ले, और यहाँ पे धमकी उमकी देने के लिए मत आए कर, जो मैं डर जाऊँगी। और मैं इसीलिए सीमा हैदर के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना पाती हूँ अभी, जो हमारे टीम में थोड़ी सी उथल पुथल चली है इसीलिए। और दूसरी बात, मैं लाइव में तो उनका चर्चा करती हूँ, उनके लिए जिनको भी आप लोगों को लाइव देखना है, सीमा हैदर के जितने भी हेटर है सबको बैंड बजाती हूँ, धुआं निकालती हूँ कहाँ कहाँ से, उसको लाल मिर्ची का बुकनी देती हूँ, जितना भी बवासीर हो जाता है, जितना भी कीड़ा पिछवाड़ा अगुआड़े में काटता है, सबकी मैं मलहम लेके उस लाइव में बैठती हूँ। 9:30 बजे मैं हमेशा लाइव आती हूँ। ये बड़ा वाला चैनल है, इस बड़ा वाला चैनल पे लाइव भी आऊंगी, आज रात में आएंगी, नहीं तो छोटा वाला चैनल एक ही नाम है, सीमा लक्ष्मी ऑफ दर्पण भंडारी, एक ही नाम है दोनों चैनल का, इस पे सारे 21,000 सब्सक्राइबर हैं। और छोटा वाला चैनल पे लगभग 7,000 रात में ही कंप्लीट हुआ है, वो भी चैनल मेरा मोनेटाइज है, ये भी चैनल मोनेटाइज है। और आप लोगों का ये आशीर्वाद है दुलारा, इतने छोटे यूट्यूबर होते हुए भी आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट कर रहे हैं हमारे फैन फॉलोवर चाहने वाले, या आप लोग की मतलब जाती है। और माता रानी प्रार्थना करते, जब आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, आबाद रहिए, माता रानी के मतलब हाथ आप लोग के सिर पे रहे। और सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, पब्लिक को गुमराह मत करो। वीडियो बनाने के लिए मना नहीं है, वीडियो बनाओ, लेकिन अच्छे से जो सच बात है वो बनाओ। झूठ मूठ के अफवाह फैलाती है, ये रिकॉर्डिंग है सुनो, आज ही सीमा हैदर की रिकॉर्डिंग लीकेज हुई है। एक मच्छर है साला, उस मच्छर को तो ज्यादा ही कीड़ा काटता है। कारे कमाना खटाना नहीं आता, हाथ में ऐसा हो गया है एक औरत के नाम पे रोटी सेकने वाला सारा सर, और यहाँ पे भाषण चोतता है। चल हट, आवाने दे, कुछ औकात नहीं है, कुछ नहीं, अभी आ रही हूँ 2-4 दिन में अच्छे से और वीडियो डालने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो बुरी लगी है सॉरी क्षमा कर लेना, माफ कर देना, किसी ठेस कोई अपनी वीडियो अपनी सॉरी मेरी वीडियो कोई अपने दिल पे ना ले, दिमाग पे ना ले, ये ठेस पहुँचाने की मकसद में वीडियो नहीं बनाई थी, जो इनको भी बुरी लगी सॉरी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, मैं सच बोल रही गलत बोल रही, आप लोग का कमेंट का बेसब्री से हमें रहेगा इंतजार। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग सामने लेके आती रहूँगी, सीमा हैदर के सपोर्ट में वीडियो लेके आती रहूँगी। और जिसको जो करना है कर ले, मुझे कोई घबराहट नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 सालों से काम करती हूँ और बहुत सारा मेरा डॉलर भी जमा हो गया है। इस पे भी लेकिन मैं 1 भी रुपये अभी तक निकाली नहीं हूँ, तुम लोग जो बोल रहे हो। और दूसरी बात, कितने मेरा येलो डॉलर होता है, येलो डॉलर में से 8 नहीं आ रहा, पैसे नहीं मिल रहा, हम केवल सच्चाई बोलते हैं। येलो डॉलर वाली आदमी वीडियो उड़ा दिया जाता है, ऐसे नहीं बोलते, जुबान संभाल के, लेकिन हम जुबान संभाल के नहीं बोलेंगे रे, सच बोलेंगे हमेशा, और धुआं निकालेंगे तुम लोगों को, पैंड बजाएंगे अच्छे तरह से। चलिए इसी के साथ वीडियो भी करते हैं एंड, बाय बाय। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, पसीना से तर बता रहा हूँ।